सर्वोच्च चार सुनवाई लिखेगा ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू कर लेते हैं ना। चलो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा नौवीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा नौवीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोगों ने क्या शुरू किया है? तो हम लोगों ने शुरू किया है कक्षा नौवीं का अध्याय वन, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछली कक्षा में? हम लोगों ने पढ़ा था पूर्णांकों पे संक्रियाएं, पूर्णांकों पे संक्रिया, जिसमें मैंने आपको सिखाया था गुना। और इसमें मैंने क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था कि जब समान चिन्ह वालों का, जैसे सेम था, चलो मैं यहां लिख भी देता हूं, समान चिन्ह मतलब कि सेम साइन, समान चिन्ह मतलब सेम साइन वालों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सेम साइन दोनों के पास क्या है? सेम साइन, तो वी विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव साइन। तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है? तो हमें हमेशा पॉजिटिव प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है? हमेशा हमें हमेशा पॉजिटिव प्राप्त होता है, धनात्मक प्राप्त होता है। मैंने क्या सिखाया था आपको कि जब समान चिन्ह का हम लोग गुणा करते हैं तो हमें हमेशा कैसा चिन्ह प्राप्त होता है? तो हमें हमेशा धनात्मक का चिन्ह, पॉजिटिव का चिन्ह प्राप्त होता है। लेकिन इसका उल्टा अगर हम लोग अलग चिन्ह का गुणा करते हैं, अलग चिन्ह का गुणा करते हैं, जैसे कि डिफरेंट साइन, चलो इंग्लिश में लिख देते हैं, डिफरेंट साइन का अगर हम लोग गुणा करते हैं तो वी विल गेट ऑलवेज निगेटिव साइन। अगर डिफरेंट साइन का मतलब क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव का गुना करेंगे क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। देखो पॉजिटिव हो या निगेटिव, या पहले आपका निगेटिव आ सकता है बाद में पॉजिटिव आ सकता है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें निगेटिव मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? हमें निगेटिव मिलेगा। आगे समझ में? चलो आगे समझ में, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो यानी समान चिन्ह का गुना करेंगे तो हमें प्लस का चिन्ह मिलेगा, धनात्मक मिलेगा, अलग चिन्ह का गुना करेंगे तो हमें ऋणात्मक मिलेगा, निगेटिव का चिन्ह मिलेगा। ठीक है, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है कि समान चिन्ह का गुना करते हैं तो धनात्मक मिलता है, अलग चिन्ह का गुना करते हैं तो ऋणात्मक मिलता है, मतलब निगेटिव मिलता है, तो एक बार जल्दी से चार्ट में वाइट अप कर दीजिए। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार चार्ट में वाइट अप कर दीजिए। आगे समझ में यहां तक? चलो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, देखो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर सारे बच्चों को सही आना चाहिए। आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो लेकिन उत्तर सारे बच्चों का सही आना चाहिए। और उत्तर कहाँ देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। उत्तर कहाँ देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको बराबर लिख देता हूँ। ठीक है, देखो ये लिखूंगा -54 गुने 28 गुने 28 है ना। चलो जल्दी करेंगे, -54 गुने 28। ठीक है, एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है। देखो हमें पता है कि किसी संख्या का कोई चिन्ह नहीं होता, कोई साइन नहीं होता, तो कौन सा चिन्ह होता है? वो होता है प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। ठीक है, टाइम लो, मैं ये बोल नहीं रहा हूं आपको जल्दी से जल्दी उत्तर करना है। अब टाइम लो, आराम से कॉपी में बनाओ, आराम से कॉपी में सॉल्व करो, फिर इसका उत्तर करो। कहां पे करना उत्तर? आपको पोल से उत्तर करना है। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, आपको मात्र डेढ़ मिनट का वक्त है, डेढ़ मिनट बहुत ही ज्यादा समय होता है। ठीक है, आराम से डेढ़ मिनट के अंदर इस प्रश्न को बना सकते हो आप लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं 20 बच्चों में से 8 बच्चों ने जो है इस प्रश्न का उत्तर पोल सेशन में कर दिया, 9 बच्चों ने कर दिया, 10 बच्चों ने कर दिया, और एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे का अभी तक इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, मतलब सारे बच्चों का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 40 सेकेंड, मतलब अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया है कि किस प्रकार से हमें पूर्णांकों का गुना करना होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर, इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन करनी होती है ना। चलो बहुत बढ़िया, आराम से करेंगे, लास्ट 30 सेकेंड। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में किया, बच्चे जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर देना अनिवार्य है। देखो दो तीन बच्चे हमें पता है, जैसे क्रांति बोगट, हिमांशु नाथ जो बच्चा ज्वाइन किया है, इनके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है। ठीक है, लेकिन इनके अलावा सभी बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन आती है, तो उम्मीद करते हैं कि इनके अलावा जो भी बच्चा है वो सारे बच्चे पोल सेक्शन जरूर उत्तर करेंगे। ठीक है, हिमांशु नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया और क्रांति बोगट नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, इनके अलावा और कोई ऐसा बच्चा है जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है, बच्चे हमको बता देंगे ताकि मैं आपको अटेंडेंस दे सकूं। ठीक है, इस बात पर ध्यान देंगे। अगर
और कोई बच्चा है जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं है तो बता देंगे, ठीक है। चलो मतलब सारे बच्चों को मोबाइल आती है, बहुत बढ़िया। अगर सारे बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन आती है तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना अनिवार्य। अगर आप उत्तर करोगे पोल सेक्शन में तभी मैं आपको अटेंडेंस दूंगा, इस बात पर ध्यान दीजिए। तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन उत्तर करना अनिवार्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं कहता हूँ चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो ध्यान दो, ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो देखो ये कैसे साइन है, ये अलग चिन्ह वाले हैं, कैसे हैं ये अलग चिन्ह वाले हैं, कैसे हैं ये अलग चिन्ह वाले हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग चिन्ह वाले हैं, ठीक है। और हमें पता है कि अलग चिन्ह का गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें निगेटिव का चिन्ह प्राप्त होता है। तो इनके आगे हो गया निगेटिव। अब रही बात 54 हो गया और 28 हो गया, चलो इसको गुना करते हैं 54 और 28 को, है ना। चलो गुना करो, बहुत आसान, पहले 8 से करेंगे, 8 चौका 32 हासिल हो गया 3, 8 5 40 और 3 43 हो गया। चलो अब यहाँ पर नहीं रहेगा, दूसरा दूसरा स्थान से स्टार्ट करेंगे, 2 चौका 8 कोई हासिल नहीं, 2 5 10, है ना। चलो अब यहाँ हो गया 2 8 3 11 हासिल 1 4 1 5 और एक हो गया यहाँ पे 1, कितना हो गया 1512, कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 1512, ये हो गया 1512, ठीक है 1512। और किसके साथ हुआ, माइनस के साथ। देखो तो सबसे पहले अगर हम अलग चिन्ह है तो सिंपली हमें ध्यान देना, तो क्या आ गया कौन सा चिन्ह, माइनस का था, यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि माइनस वाला आने वाला था, यानी ए और सी में से कोई सही होता है, ठीक है। चलो तो जिस बच्चों ने डी और बी उत्तर किया है उन बच्चों को ध्यान देना है। देखो अलग चिन्ह मतलब निगेटिव का चिन्ह आता है, ठीक है, अगर समझ में। चलो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल वाई टाइप कर दो, ले लिया ना। चलो अब आपको क्या करना है, अपना होमवर्क निकाल के रखना है, कि हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखिए करके हम लोग होमवर्क डिस्कस करते हैं, और होमवर्क हम लोग किस प्रकार से डिस्कस करते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना है, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है। चलो प्रश्नवाली 7.1, प्रश्न संख्या 1, डाउट होगा तो प्रश्न संख्या टाइप करना है, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है ना। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, कोई डाउट नहीं है, अच्छा 3 में डाउट सर, कोई डाउट नहीं है, माइक ऑन करके नहीं बोलना, कुछ चार में बोल देना, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 4, ये तो मैंने आपको क्लास में भी करा दिया था, प्रश्न संख्या 4, फिर भी डाउट तो पूछ लो आप, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, नहीं है तो कुछ भी टाइप नहीं करना है, डाउट होगा तो टाइप करना है। प्रश्न संख्या 5, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 7.2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, चलो प्रश्न संख्या 2 बताया था, फिर आप लोग कहेंगे कि सर आपको कोई भी सवाल नहीं बताया, चलो मैं बताया था, ठीक है। चलो ध्यान दे दो, देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, हमें क्या करना है, सिंपली इसको भाग देना है, भाग दो 13 से भाग देंगे, बताओ कितना बार में जाएगा, 13 है 76 है, कितना बार में जाएगा, पहली बार में बताया सर बच्चे, चार्ट में जल्दी बताओ सर बच्चे, जल्दी बताएंगे, चार्ट में पहली बार में कितना बार में जाएगा, 13 का पारा पढ़ो, 13 एकम 13 13 2 26 43 43 54 52 53 65 53 78 होता है, देखो 53 78, लेकिन 78 से क्या है कम है, तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 5 बार में, तो 53 55 घटा दो, ये हो जाएगा आपके पास 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 11, फिर आ गया यहाँ पे 11, अब बताओ कितना बार में जाएगा, अब बताओ कितना बार में हम लोग भाग करेंगे इसको, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत, कितना बार में जाएगा, अब बहुत बच्चे कंफ्यूज है कितना बार में जाएगा, ध्यान से उत्तर करेंगे, बताएंगे सर बच्चे कितना बार में जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे कर रहे हैं 8 बार में जाएगा, चलो देख लेते हैं 8 बार में कर लेते हैं, तो कितना 13 8 104, 13 8 104,
अड़तरी का 24, 8 का 8 और 2 10 13 8 104, बहुत में 8 बार में जाएगा तो देखो कितना आएगा, यहाँ पर जाएगा 6, कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। चलो अब उतारते हैं 4, तो फिर आएगा 13 5 65, तो कितना जाएगा शेष आ जाएगा आपके पास 9, कितना जाएगा आपके पास 9। तो ये हो गया आपका भागफल, ये हो गया आपका भागफल और ये हो गया आपका शेषफल और ये हो गया आपका शेषफल। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? ये जगह आपका भागफल और ये हो गया शेषफल, यानी भागफल हो गया 585 और शेषफल हो गया 9। और आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट उसमें डबल अटेम्प्ट कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत देखो आप ही ने सॉल्व किया है, देखो मैंने इसमें कुछ सॉल्व नहीं किया। इसी प्रकार जो काम आप यहाँ पे कर रहे हो, ये काम आपको पहले ही घर पे कर लेना है, ठीक है। फिर आपको डाउट होता है तो पूछ लेना है, ठीक है। चलो तो हम लोगों ने पिछली क्लास में गुना सीख लिया था, ठीक है, और जोड़ सीख लिया था, गुना सीख लिया था और जोड़ सीख लिया था, ठीक है। तो क्या क्या सीखा था मैंने, चलो गुना सीख लिया था, जोड़ सीख लिया था, और दो जोड़ में मैंने आपको दो मूल मंत्र बताया था। तो दोनों मूल मंत्र को हम एक ही साथ लिख देते हैं। पहला मूल मंत्र क्या लिखवाया था कि अगर सम्मान चिन्ह हो, क्या लिखवा था कि सम्मान चिन्ह हो तो क्या करते हैं, बताया गया सर बच्चे जोर में, मैंने क्या बताया था आपको, जोर में बताया था सम्मान चिन्ह हो तो क्या करते हैं, जल्द बताओ सर बच्चे चार्ट में, सम्मान चिन्ह हो सेम साइन होता है तो क्या करते हैं। बिट्टू कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, चैट बॉक्स में आपको अनावश्यक हरकतें नहीं करनी है, आपको लिंक नहीं पेस्ट करना है। मैंने आपको लिंक पेस्ट करने के लिए बोला है, मैंने बोला था आप आगे से अगर इस प्रकार की हरकतें करोगे आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये बात सोच लीजिएगा आप, ठीक है। बिट्टू कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, हाँ क्या करते हैं हम लोग, सम्मान चिन्ह होता है तो हम लोग जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। चलो ठीक, इसी प्रकार इसका दूसरा मूल मंत्र क्या था, दूसरा मूल मंत्र था अलग चिन्ह, दूसरा मूल मंत्र था अलग चिन्ह, अलग चिन्ह मतलब डिफरेंट साइन, अगर डिफरेंट साइन होता है, डिफरेंट साइन तो क्या करते हैं बताए सर बच्चे, क्या करते हैं सर बताएंगे, डिफरेंट साइन होता है तो घटा देते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या करते हैं घटा देते हैं मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद इन दोनों में क्या करते हैं, इसके बाद इन दोनों में क्या करते हैं, इसके बाद इन दोनों में हम लोग, इसके बाद इन दोनों में हम लोग जो भी बड़ा पूर्णांक, बड़ा इंटीजर हो, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं, बिगर इंटीजर का चिन्ह लगा देते हैं, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं, जो भी बड़ा पूर्णांक होता है उसका चिन्ह लगा देते हैं। अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में राइट अप करिए कि समान चिन्ह होता है तो जोड़ देते हैं, अलग चिन्ह होता है तो घटा देते हैं, आगे समझ में ये दोनों चीजें, है ना। चलो अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गया है ना, तो जो काम हम लोग जोड़ के लिए कर रहे थे ना, वही सेम काम हम लोग घटाव के लिए करते हैं, कोई भी अंतर नहीं होता है। एक मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो काम हम लोग जोड़ के लिए कर रहे थे वही काम हम लोग घटाव के लिए कर रहे थे करेंगे, ठीक है। घटाव के लिए करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीख लीजिए, और वो कंसेप्ट क्या है, चलो ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। मैंने अभी क्या बताया, मैंने अभी बताया कि जो काम हम लोग जोड़ के लिए कर रहे थे सेम काम हम लोग किसके लिए करेंगे, घटाव के लिए, यानी जो नियम जोड़ में लग रहा था वही नियम घटाव में भी लगने वाला है, जो नियम जोर में लगने वाला था वही नियम घटाव में भी लगने वाला है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले ही रटवा दिया था दो मूल मंत्र, समान चिन्ह जोड़ दो अलग चिन्ह घटा दो, इसलिए मैंने पहले आपको रटवा दिया था, ठीक है। चलो अब अंतर क्या आने वाला है ये ध्यान दो, देखो अंतर क्या होता है कि ध्यान दो कि मान लो कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें दो चिन्ह, जैसे दो चिन्ह लगातार आए, दो चिन्ह लगातार हो, लगातार आए, तो आपको क्या करना है, मान लो कि जैसे कोई क्वेश्चन है जिसमें दो चिन्ह लगातार है, जैसे मान लो ऐसे है माइनस ऑफ माइनस 5, ये दो चिन्ह हो गया लगातार, एक चिन्ह ये हो गया और दूसरा चिन्ह ये हो गया, जैसे प्लस माइनस के चिन्ह लगातार है, तब वो क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं, हमने मल्टीप्लाई सीखा है, हमने गुना सीखा है, हम इसे क्या करते हैं सिंपली गुना कर देते हैं, क्या करते हैं उसे गुना कर देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, गुना कर देते हैं, अगर दो चिन्ह लगातार है तो हम क्या करते हैं उसे गुना कर देते हैं। तो बताओ सर बच्चे ये माइनस माइनस आ गया तो क्या करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बताओ सर बच्चे चैट में, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5, समझ में आएगा यहाँ तक, यानी जो दो चिन्ह, अगर दो चिन्ह कोई भी दो चिन्ह लगातार आए,
हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसे गुना करते हैं, उसे क्या करते हैं, गुना करते हैं। आगे समझ में? चलो ठीक है, इसी पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो प्लस और अंदर है माइनस छ, अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, अब बताओ सर बच्चे हमें क्या मिलेगा, चलो टोटल बताएं क्या मिलेगा, प्लस माइनस हमें पता है गुना करना है प्लस और माइनस का, प्लस और माइनस का, तो प्लस माइनस अलग चिन्ह है, अलग चिन्ह का गुना क्या आता है माइनस होता है, तो माइनस छ हो जाएगा। आगे समझ में? तो अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, फिर आप उसमें कंफ्यूज होंगे कि सर ये किस प्रकार से होता है, तो अब आपको समझ में आ गया क्या करना है। कोई भी दो चिन्ह लगातार है ना, तो उसे गुना कर दिया जाता है, कोई भी चिन्ह दो लगातार है तो उसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जैसे एक प्रश्न और कर लेते हैं, चलो ध्यान दो, एक प्रश्न और कर लेते हैं, ध्यान दो, प्लस और प्लस दस, अब बताओ क्या मिलेगा हमें, प्लस और दूसरा भी क्या है प्लस है, क्या मिलेगा हमें बताओ सर बच्चे, टोटल बताओ, टोटल गुना करके क्या मिलेगा, प्लस दस, बहुत बढ़िया, प्लस से गुना प्लस से क्या मिलेगा, प्लस दस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक, उसी प्रकार एक प्रश्न और है आपके स्क्रीन पे, देखो क्या है वो, माइनस बाहर है और अंदर है प्लस और यहाँ पे है 200, अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, देखो कोई भी दो चिन्ह, कोई भी दो साइन कंटिन्यूअसली है, लगातार है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो साइन को, देखो माइनस प्लस माइनस हो गया माइनस 200, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया माइनस 200, कौन सा ऑप्शन सही, कौन कौन क्या आ गया माइनस 200। आगे समझ में? चलो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया कि व्हेन टू साइन आर कंटिन्यूअसली, अगर कोई दो साइन कम्स कंटिन्यूअसली अगर आते हैं, लगातार आते हैं, तो हम क्या करते हैं उन साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना कर देते हैं। समझ में आता सनी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपको समझ में आ गया, एक बार चैट में टाइप कर दो, आगे समझ में? तो कोशिश करो कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ ताकि साथ के साथ नोट्स बना सको आप, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे समझ में? तब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में वाइट कर दो, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और दूसरा मैंने क्या सिखाया था कि जो काम हम लोग जोर के साथ कर रहे थे वही काम हम लोग किसके साथ करेंगे, घटाव के साथ। देखो जो चीजें हम लोगों ने जोर में सीखा था वही चीज हम कहाँ सीखेंगे, वही चीजें हम लोग घटाव में सीखेंगे। तो जिस प्रकार जोर में हम दो धनात्मक पूर्णांकों का जोर किया था, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का जोर किया था, जो दो एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांकों का जोर किया था, ठीक उसी प्रकार दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव करेंगे, दो धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव करेंगे और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव करेंगे। सिंपल याद क्या रखना है कि जो रूल जो नियम जोर में लग रहा था वही नियम घटाव में लगता है। चलो देखो यहाँ पे मैंने लिख भी लिखा है, क्या लिख रखा है कि पूर्णांकों के घटाव के नियम योग के समान ही होते हैं, मतलब जो नियम हमारा जोर में लगता था वही नियम घटाव में भी लगेगा, जिससे मैंने लिख भी रखा है। ध्यान से देखो कि अगर दोनों पूर्णांकों का चिन्ह समान तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो यहाँ मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए, चिन्ह समान, समान चिन्ह क्या करेंगे जोड़ देंगे, समान चिन्ह मतलब क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ना होता है। चलो एक प्रश्न के माध्यम समझ लेते हैं, चलो एक प्रश्न के माध्यम समझ लेते हैं, ध्यान दो, देखो माइनस पांच माइनस छ, अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, दोनों का देखो चिन्ह क्या है माइनस है, ये भी और ये भी क्या है माइनस है, दोनों का चिन्ह क्या है माइनस है, क्या मिलेगा, ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर, बहुत बढ़िया बहुत। देखो समान चिन्ह, देखो समान चिन्ह सिंपली क्या करना होता है जोड़ना होता है, जोड़ दो, क्या करेंगे पांच और छ को जोड़ दो, छ पांच ग्यारह, यहाँ हो गया ग्यारह, अब बताओ ग्यारह का कौन सा चिन्ह लगेगा, तो जो भी बड़ा पूर्णांक का चिन्ह होता है, प्लस ग्यारह नहीं होगा, प्लस ग्यारह नहीं, ध्यान दो, जो भी बड़ा पूर्णांक, यहाँ बड़ा पूर्णांक कौन सा है, बड़ा पूर्णांक है छह, छह का कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो माइनस ग्यारह होगा, कौन सा होगा माइनस ग्यारह होगा, ना कि प्लस ग्यारह होगा, ठीक है, क्योंकि हमने सीखा है समान चिन्ह जोड़ना होता है और बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देना होता है, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देना होता है, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाना होता है। आगे समझ में? चलो अब एक प्रश्न मैंने अभी आपको जो सिखाया, जो जब दो चिन्ह लगातार आते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, देख लो वो भी, देखो मान लो आपके पास दिया रह गया यहाँ पे माइनस और यहाँ दिया प्लस पांच, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया है माइनस और यहाँ पे दिया है प्लस छ, अब बताओ सारे बच्चे क्या होगा इसका उत्तर। देखो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जहां पे दो चिन्ह, देखो यहाँ पे माइनस प्लस लगातार आ गया, माइनस प्लस लगातार आ गया, तो मैंने क्या सिखा भी, जब भी दो चिन्ह लगातार आते हैं
हम क्या करते हैं उसका गुना कर देते हैं। तो क्या करेंगे उसका गुना कर देंगे। चलो गुना करो, ये देखो गुना करते हैं, माइनस प्लस गुना करो, माइनस प्लस माइनस पांच, माइनस प्लस गुना करो माइनस छ, कितना आएगा? बहुत बढ़िया, समान चिन्ह क्या करेंगे जोड़ देंगे, पांच छ जोड़ दो, ग्यारह हो गया, जोड़ दिए ग्यारह हो गया। अब जो भी बड़ा पूर्णांक, बड़ा पूर्णांक कौन था यहाँ पे, छह था, तो छह क्या कौन सा चिन्ह लगा, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे, माइनस से ग्यारह। ठीक है, आगे समझ में, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गए हैं जल्द से आप स्पेस का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है जल्द से आप स्पेस का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। आगे समझ में ना। चलो अब हम देखते हैं कि ये तो क्या समान चिन्ह वाला, जैसे जोर हम सीखे थे कि जोर में समान चिन्ह होता है तो जोड़ देते हैं, अलग चिन्ह होता है तो घटा देते हैं। ठीक, उसी प्रकार घटाओं में क्या हुआ ना कि समान चिन्ह होता है तो जोड़ देते हैं और दूसरा क्या होता है अलग चिन्ह। बताओ सर बच्चे, अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चार्ट में, कि अलग चिन्ह होगा तो हम क्या करेंगे, बताएंगे सर बच्चे चार्ट में, कि अलग चिन्ह होगा तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अलग चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अलग चिन्ह तो क्या करेंगे, घटा देंगे, और जो भी बड़ा पूर्णांक होगा बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देंगे, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अलग चिन्ह घटा देंगे, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो यहां तक क्लियर है ना आपका? बहुत बढ़िया। अब देखो अलग चिन्ह है, घटा दो, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो। चलो एक प्रश्न के सामने, एक प्रश्न जरिए समझ लेते हैं। देखो मान लो कि अगर हमारे पास दिया रहे, मान लो हमारे पास दिया रहे प्लस दस माइनस बीस, चलो देखो दोनों के दोनों क्या अलग चिन्ह वाले, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, प्लस दस माइनस बीस, दोनों अलग चिन्ह वाले हैं। जहां पता चला अलग चिन्ह घटानी होती है, अलग चिन्ह घटानी होती है, ध्यान दो बाबू, गलत नहीं क्या करो। देखो अलग चिन्ह क्या करना है, सिंपली दूसरा मूल मंत्र याद रखो, अलग चिन्ह घटा दो। अलग चिन्ह क्या है, दोनों एक प्लस में एक माइनस में घटा दो, बारह में से छोटा घटा दो, बीस में से दस घटा दो, कितना आएगा, दस आएगा, यहाँ हो गया दस। अब बताओ दस क्या है, कौन सा चिन्ह रहेगा, जो भी बड़ा पूर्णांक का चिन्ह हो, बड़ा पूर्णांक इसमें से कौन है, इसमें से बड़ा पूर्णांक है बीस, तो बीस क्या है, कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो इसके आगे लग जाएगा माइनस का चिन्ह, तो माइनस दस हो गया। आगे समझ में यहाँ तक? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, एक प्रश्न और करते हैं आपके सामने, ध्यान से करेंगे। चलो आप करेंगे सर, इस प्रश्न उत्तर करेंगे, प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल है, दो चिन्ह लगातार आते हैं तो उसे गुना कर देते हैं, दो चिन्ह लगातार आते हैं तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं, देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा प्लस दस, ये प्लस माइनस कितना होगा, माइनस होगा माइनस तीस। अब आप ध्यान दो, दोनों क्या है अलग चिन्ह वाले हैं, दोनों क्या है अलग चिन्ह वाले हैं, दोनों क्या है अलग चिन्ह वाले हैं। ठीक है, दोनों क्या है अलग चिन्ह वाले, जल्दी बताएंगे सर इसका उत्तर करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक बार क्या करते हैं, किसी की कॉपी हम लोग लेकर देख लेते हैं कि वो बना रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलो किसका बोलो है? हाँ तो देव सिंह, चलो सुशील से ही पूछ लेते, सुशील ने प्लस टू टाइप किया, चलो सुशील अपना कॉपी दिखाओ बाबू, आप कहाँ बनाए हो, सुशील अपना कॉपी दिखाओ, जयवीर नाम से जो बच्चा जान के वो भी बच्चा अपना कॉपी दिखाएंगे, देखो कहाँ सॉल्व किए, देख लेते हैं सही सॉल्व किया गलत सॉल्व किया, दिखाओ बाबू आप लोग कॉपी। ठीक है, हाँ ठीक है, सुशील नाम से जो बच्चा जान के, सुशील और जयवीर आप लोग दोनों आदमी कॉपी दिखाओ, बाकी और बच्चे भी दिखा सकते हैं जिनको मैंने कॉपी दिखाने का, कॉपी दिखा दो आप लोग, जिन जिन बच्चों ने कॉपी में सॉल्व किया कॉपी दिखाएंगे अपना। तो देखो साथ के साथ आप लोग कॉपी में भी सॉल्व करना है, देखो विशाल ने बनाया है, विशाल वर्मा में बहुत बढ़िया, एक बार थोड़ा सा सामने से करके दिखाओ, मुझे नहीं दिख रहा अभी, कॉपी दिखाओ, कॉपी आप अपना, बहुत बढ़िया, बजरंग वाला भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बलजीत नाम से जो ये भी बच्चे बनाए बहुत बढ़िया। चलो हाँ इसी प्रकार से बनानी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ध्यान दो, देखो क्या देखना था हमें, सिंपली हमें देखना था बड़ा पूर्णांक, क्या देखना था हमें, देखो अलग चिन्ह, एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या करते हैं सिंपली, देखो माइनस प्लस में तो क्या करते हैं घटाते हैं, तो बताओ 30 में से 10 घटाएंगे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 20, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 20। अब रही बात, बताओ सारे बच्चे 20 क्या है, कौन सा चिन्ह रहेगा, चैट बॉक्स बताओ सारे बच्चे 20 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, माइनस का, क्यों, जो इनमें से बड़ा होता है, कौन बड़ा है 30 बड़ा है, 30 क्या है कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस 20 हो गया। आगे समझ में आपको? चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल टैप कर दो, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी उत्तर करना है। चलो सबसे पहले बताएंगे
प्रश्न संख्या एक का उत्तर बताएंगे सर्वोच्च क्या मिलेगा हमें, प्रश्न संख्या एक का उत्तर करेंगे सर्वोच्च क्या मिलेगा, देखो क्या है, एक प्लस में है और दूसरा एक माइनस में है, एक प्लस में है दूसरा क्या है माइनस में है, ध्यान से करेंगे, अलग चिन्ह, दूसरा मूल मंत्र, अलग चिन्ह क्या करते हैं, अलग चिन्ह क्या करते हैं घटाते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं, 12 में से छोटा तो 10 में से 5 घटा दो कितना आया 5 आया, तो यहाँ हो गया 5। अब रही बात की 5 क्या है, कौन सा चिन्ह रहेगा, तो जो बड़ा पूर्णांक, यहाँ बड़ा पूर्णांक कौन सा है 10, और 10 क्या है कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह हो जाएगा, आगे समझ में, चलो ठीक उसी पर बताओ सर बच्चे। प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या दो, और कोई भी दो चिन्ह लगातार आते हैं तो पहले कोष्टक हटा लेते हैं, पहले कोष्टक हटा लेते हैं, पहले ब्रैकेट हटा लेते हैं, पहले ब्रैकेट हटा लो, चलो हटा देते, चलो ध्यान दो हटा देते हैं, यह तो हो गया माइनस दस, ये देखो माइनस माइनस प्लस पांच हो गया, माइनस माइनस प्लस पांच, ये भी अलग चिन्ह वाला, ये भी क्या है अलग चिन्ह वाला है, तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो आप याद रखो हमेशा जब भी कोष्टक आएगा या दो चिन्ह लगातार आएगा हमें क्या करना है, पहले चिन्ह को हटाना है, मतलब चिन्ह को गुना करना है, फिर हमको सॉल्व करना है, है ना, अलग चिन्ह मतलब क्या करना है घटाना है, दस में घटा दो पांच, दस में से पांच गया पांच, अब बताओ पांच क्या है कौन सा चिन्ह रहेगा, तो जो बड़ा पूर्णांक बड़ा संख्या, इसमें बड़ा संख्या कौन है दस, दस का है कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो माइनस रह जाएगा, ठीक है, तो माइनस पांच हो गया, चलो ठीक उसी प्रकार, चलो सारे बच्चे बताएंगे प्रश्न संख्या तीन का उत्तर करेंगे, ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे प्रश्न संख्या तीन का उत्तर करेंगे, प्रश्न संख्या तीन का उत्तर करेंगे, देखो सम्मान चिन्ह, दूसरा मूल मंत्र, सम्मान चिन्ह क्या करते हैं, सम्मान चिन्ह क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो जोड़ो 10 को 5 के साथ जोड़ दो कितना मिलेगा 15। अब रही बात की 15 क्या है कौन सा चिन्ह रहेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, 15 क्या है कौन सा चिन्ह रहेगा, जो भी बड़ा पूर्णांक, इसमें से बड़ा कौन है 10 बड़ा है, और 10 क्या है देखो कौन सा चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस डाल देंगे, तो माइनस 15। आगे समझ में, तो गलत नहीं करना, इतना सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ, आपको गलत नहीं करना है ना, चलो उसी प्रकार, चलो सारे बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या चार का उत्तर सारे बच्चे सही करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या चार का उत्तर सारे बच्चों का सही होगा, चलो जल्दी करेंगे इसका उत्तर, जल्दी करेंगे इसका उत्तर सारे बच्चे करेंगे, बहुत बढ़िया बात, चलो ध्यान दो, देखो क्या है 10 हो गया, 10 का कोई चिन्ह नहीं, क्या है प्लस का चिन्ह है, ये हो गया माइनस माइनस प्लस पांच, अब हमें पता है समान चिन्ह क्या करना होता है जोड़ना होता है, जोड़ दो ये समान चिन्ह, चलो हम लिख नहीं देते, चलो यहाँ लिख देते हैं समान चिन्ह, पहला मूल मंत्र क्या करते हैं जोड़ देते हैं, समान चिन्ह मतलब क्या होता है जोड़ना होता है, जोड़ दो कितना है 10 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 15, 15 आ गया, अब रही बात बताओ सारे बच्चे 15 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, 15 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, तो जो भी बड़ा संख्या है बड़ा पूर्णांक, इसमें से कौन बड़ा है 10 बड़ा है, तो 10 का कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो प्लस का चिन्ह रहेगा, तो प्लस 15, ठीक है, आगे समझ में, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना, तो चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें डबल टैप कर दो, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें डबल टैप कर दो, जल्द करेंगे, ले लिया अपना स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बहुत बढ़िया, चलो अब सारे बच्चों को इसी से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे, तो देखो कभी भी दो चिन्ह अगर लगातार आते हैं तो आपको क्या करनी है, दो चिन्ह कभी भी लगता रहता है आपको क्या करना है, पहले चिन्ह को गुना करना है फिर आगे सॉल्व करना है, ठीक है, तो चलो इस प्रश्न का उत्तर पहले आप लोग कॉपी में बनाओ, फिर मैं कुछ देर में आपको लंच पोल सेशन लंच करूंगा, तो आप पोल सेशन में उत्तर कर देना, ठीक है, चलो सारे बच्चे पहले इस प्रश्न का उत्तर पहले कॉपी में करेंगे, पहले आपको कॉपी में करना है फिर इसका उत्तर कहाँ करना है पोल सेशन में करना है, सारे बच्चों को पहले इस प्रश्न का उत्तर कॉपी में करना है फिर इसका उत्तर कहाँ करना है पोल सेशन में करना है, ठीक है, चलो आप लोग कॉपी में कर करके दिखा भी सकते हो, कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो आप लोग कॉपी में कर करके, ठीक है, चलो इसको मैं क्या थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, क्या है -118 माइनस ऑफ -90, है ना, अब बहुत बच्चों के मन में ये डाउट होगा सर इसका कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है प्लस का, अब बताओ प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा -118 माइनस माइनस क्या होगा +90, है ना, बहुत ही सरल है, तो पहले हम लोग कोष्टक हटाते हैं, और कोष्टक किस प्रकार से हटाते हैं, कोष्टक किस प्रकार से हटाते हैं, तो पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, चलो आराम से उत्तर करेंगे, प्रश्न बहुत ही सरल है, दो ही मूल मंत्र याद रखना है, समान चिन्ह
जोड़नी होती है, अलग चिन्ह घटानी होती है। चलो बलजीत का मैं देख लेता हूँ, उन्होंने सही बनाया या गलत बनाया। चलो एक बार दिखा दो बाबू, बलजीत नाम से जो बच्चे जान के बाबू दिखा दो, मैं आपको चेक कर लेता हूँ आपने सही बनाया या गलत बनाया। ओके एक मिनट रुक जाइए बलजीत, ठीक है मैं आपको चेक कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बलजीत, देखो बहुत बढ़िया आपने सही बनाया। ठीक है अब आप छुपा लो, अब छुपा लो, उनके बाकी बच्चे भी देख लेंगे, उन्होंने चीटिंग कर लेंगे। ठीक और बच्चा दिखा सकता है, देखो बलजीत ने बनाया बहुत सही, बलजीत कुमार नाम से बच्चे जान के ना, बहुत सही बनाया मतलब आंसर सही बनाया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से सारे बच्चे बनाए, जो बच्चे बना लिए वो बच्चे दिखा भी सकते हैं, कैमरा करके दिखा भी सकते हैं। ठीक है चलो विशाल का मैं देख, चलो मैं विशाल का भी चेक कर लेता हूँ एक बार। और हाँ ठीक है विशाल का मैं चेक कर लेता हूँ, बजरंग जागरण इनका भी मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है सही बनाया, लेकिन थोड़ा सा करो क्या करो, कोशिश किया करो कि पहले चीन, पहले हम लोग चीन को देखते हैं। ठीक है दो क्या है, अलग चीन है तो अलग चीन आपको पता है क्या करना होता है, मैं नहीं बताऊंगा फिर से। ठीक है उसके बाद क्या करना होता है, जो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह होता है उसको लगा देते हैं। ठीक है चलो, तो कुछ बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत भी किया है, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखो जिन बच्चों ने गलत किया उन बच्चों को ध्यान से देखेंगे। चलो क्रांति बोर्ड इनका मैं कॉपी थोड़ा देख लेता हूँ, इन्होंने बनाया या नहीं, चलो देख लेते हैं इन्होंने सही बनाया या गलत, इन्होंने गलत बनाया है, इन्होंने गलत बनाया। देखो क्रांति बोर्ड नाम से जो बच्चे जाएंगे, देखो ध्यान से देखिएगा, देखिए ये क्या है, दोनों में अलग चिन्ह है, दोनों में अलग चिन्ह है। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको दूसरा मूल मंत्र क्या था, अलग चिन्ह घट, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ध्यान दो एक बार सारे बच्चे ध्यान दें। देखो देखो अलग चिन्ह होता है, देखो अलग चिन्ह, तो मैंने दूसरा मूल मंत्र आपको क्या याद करा है कि अलग चिन्ह होता है ना तो आपको हमेशा घटानी होती है, हमेशा घटानी होती है, घटाने के बाद क्या करना होता है आपको बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाना होता है। ठीक है तो जल्दी से आप चेंज कर लो, जल्दी से आप चेंज कर लो कॉपी में, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाना होता है। ठीक है चलो क्रांति बोगट नाम से बच्चे जान के बाबा आप चेंज कर लो जल्दी से जल्दी। ठीक है कोई नहीं, देखो आपने अभी गलत किया था, ठीक है अगली बार लेकिन आपका प्रश्न का उत्तर सही होगा मुझे पता है। ठीक है चलो लास्ट 20 सेकेंड, देखो ध्यान दो, अलग चिन्ह होता है तो हमें हमेशा घटानी होती है, अलग चिन्ह होता है तो हमें हमेशा घटानी होती है। ठीक है चलो लास्ट 10 सेकंड में क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है देखो कुछ बच्चों ने कहाँ गलत कर दिया, कुछ बच्चों को यहाँ पे गलत हो गया, वो उन्होंने क्या देखा, हाँ देखो बहुत बच्चों को सही था, ध्यान देंगे। देखो कुछ बच्चों ने क्या देखा कि देखो इन यहाँ पे देख लिया माइनस में है ये भी और ये भी माइनस में है, तो उनको लगा कि ये दोनों समान चिन्ह वाले हैं, नहीं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यहाँ से आपको नहीं देखना है, कुछ बच्चों ने क्या किया, देखो मैं कहाँ गलती किया मैंने देख, मैं बताता हूँ ध्यान दो, उन्होंने क्या किया ये देख लिया और ये देख लिया, उन्होंने उनको लगा कि हाँ ये दोनों समान चिन्ह वाले हैं, क्या करना है जोड़ना है, नहीं ऐसे नहीं करते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं पहले कोष्ट को हटाते हैं, जो हमें ब्रेकेट दिया गया पहले हम ब्रेकेट को हटाते हैं। देखो ब्रेकेट है यहाँ पे देखो, तो प्लस माइनस माइनस करके हटा दो, यहाँ पे ब्रेकेट है तो माइनस माइनस करके प्लस हटाओ, अब यहाँ पे देखो देखो इसके पास माइनस का चिन्ह है और इसके पास प्लस का चिन्ह है, अब देखो दोनों क्या है अलग चिन्ह है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत बच्चों को क्यों गलत हुआ, ठीक है अब आगे से आपने समझ लिया, अगर आपने समझ लिया कि क्यों आपका गलत है तो जल्दी से एक बार चैट ऑफ वाइटअप कर दीजिए, जिन जिन बच्चों ने गलत किया बच्चे बताएंगे चैट ऑफ वाइटअप करेंगे उनको समझ में आ गया, तो ऐसे मैं फिर से रिपीट करूंगा, जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया कि उन्होंने कैसे गलत किया है वो बच्चे चैट ऑफ वाइटअप करेंगे। जब तीन चार टोटल 7 बच्चों ने गलत किया तो 7 बच्चे वाइटअप करना चाहिए, 5 6 7 चलो 7 बच्चे हो गए, बहुत बढ़िया आपको समझ में आ गया किस प्रकार से किया आपने, क्यों गलत किया आपने, बहुत बढ़िया बहुत मुझे समझ में आ गया। देखो क्या देखो ध्यान दो, आपने कहाँ गलत किया होगा, आपने गलत किया होगा कि ये आपको और ये आपको लगा होगा दोनों समान चिन्ह है, नहीं हमें पहले कोष्टक को हटानी होती है, मतलब हमें पहले ब्रैकेट को हटानी है, पहले ब्रैकेट हटा दिए, ब्रैकेट कैसे हटाते हैं गुना करके, देखो प्लस माइनस 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 प्लस, अब हमें देखना है कि ये अलग चिन्ह है या समान चिन्ह है, हमें दिख रहा है ये अलग चिन्ह, अलग चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं घटाते हैं, सिंपली घटा दो 118 में से क्या करते हैं 90 को घटा दो, क्या मिलेगा 28 मिलेगा, क्या मिलेगा 28 मिलेगा। अब बताओ सारे बच्चे चार उसमें कि 28 का है कौन सा चिन्ह रहेगा, 28 का है कौन सा चिन्ह रहेगा, चलो मैं नहीं बताऊंगा सारे बच्चे इतना कि चार उसमें 28 का है कौन सा चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा पूर्णांक है वो क्या है 118 है और 118 के आगे कौन सा चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, तो क्या करेंगे माइनस लगा दो आगे सुन में, तो -28 तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया ना, अगर एक भी ऐसा बच्चा है जिनको नहीं समझ में आया ये प्रश्न माइक ऑन करेंगे पूछ लेंगे, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ ध्यान दो, हमेशा हमेशा ठीक है एक बार मैं फिर से बताता हूँ ध्यान दे, ठीक है अगर आपको समझ में आएगा ठीक है, जिनको नहीं समझ आएगा फिर से देख लो, हमेशा 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 आपको ये ध्यान देना है
कि अगर क्वेश्चन में कोष्टक है, ब्रैकेट है, तो आपको ब्रैकेट हटानी है। ब्रैकेट पहले तो मैं लिख भेज देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले हमको कोष्टक यानी ब्रैकेट, हमें पहले क्या करना है, ब्रैकेट हटानी है, ब्रैकेट रिमूव करना है, ब्रैकेट रिमूव करना है। और कैसे करते हैं, चिन्ह का गुना करके। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर समान चिन्ह जोड़ते हैं, अलग चिन्ह घटा देते हैं। आगे समझ में, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो ना, तो चलो एक प्रश्न और करते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर ना एक भी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए, सारे बच्चों का सही आना चाहिए। तो पहले आप कोष्टक को हटाओ, पहले आप क्या करो, कोष्टक को हटाओ, फिर इसका उत्तर करो। और पहले कॉपी में बनाओ, फिर इसका उत्तर पोल्स में देना। पहले आप कॉपी में बनाओ, फिर उत्तर पोल्स में करना, ठीक है। चलो मैं कर सकता, देखो यहाँ पे 120, फिर क्या है माइनस, पहले कोष्टक हटाना है 150। अब बहुत बच्चों को लग रहा होगा सर 120 क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है। यहाँ प्लस तो बाहर भी प्लस का चिन्ह होता है, और कोई चिन्ह नहीं है तो देखो यहाँ पे कोई चिन्ह है तो क्या, कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। बस सिंपली अब हटा सकते हो, हटा दो, चलो हटा बनाओ। मैं नहीं बताऊंगा, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। चलो जल्दी करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो आपको समझ में गया, सबसे पहले कोष्टक हटाते हैं, ब्रैकेट रिमूव करते हैं, फिर हम देखते हैं कि समान चिन्ह जोड़ते हैं, अलग चिन्ह घटा देते हैं। चलो बलजीत ने देखते हैं, बलजीत ने सही बनाया गलत बनाया, देख लेते हैं एक बार, हम उनका कॉपी देख लेते हैं। हाँ नीचे करो, नीचे करो थोड़ा सा बलजीत, थोड़ा नीचे कर दो आप, नहीं दिख रहा आपका कॉपी, नीचे वाला, नीचे वाला क्वेश्चन दो, तो ऊपर वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये 28 वाला, नीचे वाला क्वेश्चन दिखाओ। हाँ, आपने रिमूव किया, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ आपने सही बनाया, आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं, बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं। चलो इनका देख लेते हैं, बजरंग जगरा, हाँ इनका भी सही है, इनका भी सही है, ठीक है। चलो बिट्टू, बिट्टू आप दिखा दो, आप भी बनाए हो, दिखा दो आप भी, बिट्टू कुमार नाम से जो बच्चे जानकर, अभी दिखा दो एक बार कॉपी, अभी दिखा दो एक बार कॉपी, आप दिखा रहे थे, बहुत बढ़िया। मतलब अधिकतर बच्चों ने जो है मतलब उत्तर सही करेंगे, अधिकतर बच्चों का उत्तर सही आ रहा है ना। चलो लास्ट 40 सेकेंड, 22 बच्चों में से 10 बच्चों ने इस प्रश्न का, 11 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 12 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी, 13 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो एक बार मैं क्रांति बोगट नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया उनका भी एक बार कॉपी चेक कर लेते हैं, उस बार इस बार उन्होंने सही बनाया गलत बनाया, एक बार दिखा दो अपना कॉपी, हाँ एक बार कॉपी दिखा दो आप अपना, देख लेते हैं आपका कॉपी सही बनाया आपने गलत बनाया, अच्छे से दिखा दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बहुत मतलब सही बनाया, ठीक है समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बाकी वो भी बच्चे दिखा सकते हैं जिनका पिछली पिछला प्रश्न गलत हुआ था, वो भी बच्चे दिखा सकते हैं अपना कैमरा ऑन करके। विशाल वर्मा आपने बना लिया इस प्रश्न का उत्तर, एक बार कैमरा ऑन करके दिखा दो बाबू आप अपना। चलो 15 बच्चों ने बना लिया, अंकित, हाँ चलो इनका भी देख लेते हैं एक बार कॉपी, हम लोग कॉपी दिखा दो बाबा, एक बार कॉपी दिखा दो। चलो विशाल ने भी बना लिया है, चलो विशाल का भी मैं देख लेता हूँ एक बार, अंकित आप भी दिखा दो, आप एक बार दिखा दो, हाँ आपका भी सही है, आपका भी सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, हमें क्वेश्चन दीजिए, मतलब आदित्य बच्चों को सही, मतलब आदित्य बच्चों ने सही बनानी है, ठीक है। तो लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, मैं क्या करता, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होती, पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कहाँ कर देंगे, पोल सिस्टम में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हम इसको, देखो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 120, प्लस माइनस माइनस 150। अब हमें पता है, देखो दूसरा मूल मंत्र, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दूसरा मूल मंत्र अलग चिन्ह, अलग चिन्ह मतलब क्या करना होता है, घटानी होती है, अलग चिन्ह मतलब क्या करना होता है, घटानी होती है, घटा दो, 12 में से छोटा घटाते हैं, 150 में से 120 को घटा दो, कितना आएगा 30। अब रही बात कि 30 क्या है, कौन सा चिन्ह होगा, तो जो बड़ा पूर्णांक, इसमें से बड़ा कौन है, 150 बड़ा, तो 150 का कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस 30। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है ना, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो, आया समझ में। चलो अब अगला प्रश्न जो है, मैं कुछ भी हिंट नहीं दूंगा, सारे बच्चों को अपने बनाना है और सही बनाना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न मैं इसमें कुछ भी हिंट नहीं देने वाला हूँ, सारे बच्चों को खुद से बनानी है और सही बनानी है, ठीक है। चलो नाम मिलती नाम से आपने बना दिया था, अरे बहुत बढ़िया बहुत आपने सही बनाया, देख लेते एक बार आपका, माइनस 30 होगा, हाँ 30 माइनस 30 होगा, क्योंकि कौन बड़ा पूर्णांक कौन सा,
बड़ा पूर्णांक हमारा 150 था, 150 का कौन सा चिन्ह है, 150 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, चलो आप इस प्रश्न को पहले सॉल्व करो और इसका उत्तर कहाँ करो, इसका उत्तर आप पोल सेक्शन में जाकर करो। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, जब मैं इसको बड़ा बड़ा लिखा तो चलो 3200 और माइनस ऑफ माइनस 800, ठीक है। तो ये देखो 3200 का है कोई चिन्ह, का है प्लस का, बाहर भी क्या है प्लस का है, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसको आराम से, आराम से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें मैं कोई हिंट नहीं देने वाला हूँ, बस एक हिंट देता हूँ, पहले ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट को हटाते हैं, अगर समान चिन्ह होता है तो जोड़ते हैं, अलग चिन्ह होता है तो घटाते हैं। चलो इनका देख लेते हैं एक बार, एक बच्चा का देख लेते हैं जिस बच्चे ने बनाया है, बजरंग जांगरा। हाँ आपका सही है, जल्दी से आप छुपा लो, आपका सही आप छुपा लो, ठीक है, नहीं तो बाकी बच्चे चीटिंग कर लेंगे। चलो बहुत बढ़िया, और जिन बच्चे ने बना लिया वो बच्चे दिखाएंगे, ठीक है, डेढ़ मिनट का वक्त, चलो आपको एक मिनट का वक्त देते हैं, आराम से बनाइए, और आप बना लेते हो तो पहले पोल सेक्शन उत्तर करो। चलो पोल सेक्शन से पहले आप कॉपी दिखा दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आपने सही बनाया या गलत बनाया। चलो चलो विशाल को मैं चेक कर लेता हूँ, विशाल ने सही बनाया या गलत बनाया है, ओके विशाल, हाँ विशाल आपने सही बनाया, चलो चलो आप कॉपी छुपा लो, ठीक है। चलो अब बलजीत का देख लेते हैं, चलो बलजीत का एक बार देख लेते हैं, बलजीत आपको अच्छी दिखाओ, आपका कॉपी थोड़ा सा अच्छे से दिख नहीं रहा, ठीक है, थोड़ा लाइट में है आपका कॉपी, उतना अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। हाँ हाँ सही 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 बना आपने, सही बनाया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक बनाया आपने, ठीक बनाया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बाकी बच्चे जल्दी करेंगे, लास्ट 40 सेकंड, चलो बाकी बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे, 10 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, ध्यान से उत्तर करना है आपको। चलो मैं कहता हूँ थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको, ध्यान दो, देखो क्या करना है आपको, देखो माइनस प्लस 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 3200 माइनस माइनस प्लस 800, अब देखो दोनों पास क्या है सम्मान चिन्ह है, दोनों पास क्या है सम्मान चिन्ह है, और हमें पता है सम्मान चिन्ह हम क्या करते हैं, सम्मान चिन्ह हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, सम्मान चिन्ह क्या करते हैं जोड़ते हैं। अब ध्यान तो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, पहले आप पोस्ट को हटाओ, पोस्ट को पहले हटाओ फिर बनाओ, पहले ब्रैकेट को हटाओ फिर सॉल्व करो। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग इसको देख ले रहे हो, इसके पास प्लस का चिन्ह, आप इसको देख रहे हो इसके पास माइनस चिन्ह, आप क्या कर रहे हो देखो अलग चिन्ह, आप क्या कर रहे हो घटा दिए, नहीं ऐसे नहीं करते हैं, पहले आप पोस्ट को हटाओ, देखो मैंने पोस्ट को हटाया तो मैंने पाया कि दोनों के पास कैसा चिन्ह है, दोनों के पास प्लस का चिन्ह है ना, ऐसे करना है, पहले आपको कोस्ट को हटानी है फिर सॉल्व करनी है। चलो लास्ट 30 सेकंड, पहले कोस्ट को हटानी है फिर सॉल्व करनी है। चलो एक बार क्रांति भोगट का देख लेते हैं हम लोग कॉपी, पहले आपको कोस्ट को हटानी है, कोस्ट को हटाया आपने, हाँ चलो बहुत बढ़िया आपका सही है, बहुत बढ़िया बहुत सही है सही है सही है, ठीक है आप चलो बहुत बढ़िया सही है, तो आप हाँ ठीक है, आपका तो मतलब पोजिशन नहीं आती, कोई नहीं कोई, लास्ट 10 सेकंड में करते, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न को तो कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, चलो देख लो हमने क्या बताया, हमने बताया कि आप सबसे पहला काम यहाँ पे मत देखा करो, पहले आप क्या करो ब्रेकेट को हटाओ, कोस्ट को हटाओ, देखो मैंने कोस्ट को हटाया फिर मैंने देखा कि दोनों के पास क्या है, दोनों के पास सम्मान चिन्ह है, हाँ नाम मिनती नाम से जो बच्चे आपने गलत बनाया है, देखो मैंने बताया है ना कि समान चिन्ह होता है तो हम जोड़ते हैं, समान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो जोड़ो इसको 3200 और 800 जोड़ दो कितना आएगा, ये आएगा 4000, ये आएगा 4000, अब बताओ 4000 क्या है कौन सा चिन्ह रहेगा, तो जो बड़ा पूर्णांक इनमें से बड़ा कौन है 3200 800 में से बड़ा कौन है 3200, और 3200 का कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो प्लस का चिन्ह होगा यानी प्लस 4000, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। इस बात पर ध्यान दो, आप लोग यहीं पे मत ध्यान दिया करो, मैं जानता हूँ बहुत बच्चे यहाँ गलत कर रहे हैं, आप यहाँ पे चिन्ह मत देखा करो कि समान है क्या लगे, पहले आप ब्रेकेट हटाओ फिर चिन्ह देखो, पहले आप ब्रेकेट हटाओ फिर चिन्ह देखो, नहीं -24 नहीं, ऑप्शन ए जो है सही है, -24 नहीं, देखो -24 कब सही होता है जब ये अलग अलग चिन्ह होता, ये अलग चिन्ह होता है लेकिन इसके पास समान चिन्ह है ना, इसके पास प्लस का चिन्ह है, इसके पास प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह होता है दोनों के पास समान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ देना है हमको, आगे समझ में, चलो अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल अटैप कर दो, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल अटैप कर दो, जल्दी करो। चलो ठीक है, चलो अब इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताएंगे सब बच्चे कि मान लीजिए कि आपके पिताजी आपको 10 रुपया दिए,
आपके घर वाले आपको 10 रुपया दिए, कितना रुपया दिए, 10 रुपया। अब इस 10 रुपया में से 2 रुपया जो है टॉफी खरीद लिया आप 2 रुपया का, और 3 रुपया का क्या किया आपने, ब्रेड खरीद लिया, केक ले लिया, क्या ले लिया आपने, केक ले लिया। तो कुल आपने कितना खर्च कर दिया, कुल आपने कितना खर्च कर दिया, 5 रुपया। अब बताओ आपके पास कितना रुपया बच गया है, बची हुई राशि कितनी रुपये है आपके पास, कितने रुपये है, 5 रुपये। क्या किया आपने, आपके घर वाले दिए थे 10 रुपया, उसमें से कितना रुपया आपने खर्च कर दिया, 5 रुपया घटा दिया आपने, कितना घटा दिया, 5 रुपया, कितना मिल गया हमें, 5 रुपया बच गया। ये समझ में आ गया ना। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, पहले आपको इस प्रश्न को पढ़ना है, पहले आपको इस प्रश्न को पढ़ना है और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। ठीक है, चलो पहले आप पढ़ो फिर इसका उत्तर करो, कुछ देर बाद उत्तर करना है लेकिन ध्यान से पहले आप प्रश्न को पढ़ो फिर इसका उत्तर करो। चलो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, ध्यान दो। प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोल रहा है कि जेनी शनिवार को अपनी किताब का 324 पेज, रविवार को 259 पेज पढ़ती है, पुस्तक में 876, पुस्तक में कितना है, 876 पृष्ठ है, कितना पृष्ठ है, 876 पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ में से जो जेनी है ना 324 जो है किस दिन पढ़ती है, शनिवार को पढ़ती है, ठीक है, और रविवार को कितना पढ़ती है, 259 पढ़ती है। तो क्या करेंगे, ये रविवार को पढ़ती है, मतलब मान लो कि अगर आपके घर वाले आपको 876 रुपया दिए रहते तो उसमें से आप कितना रुपया खर्च कर दिए, इतना रुपया आप खर्चा कर दिए है ना, यानी ये खर्चा वाला रुपया है। ठीक है, अब बोला कि देखो उससे और कितने पेज पढ़ने, मतलब बची हुई पेज मतलब बचा हुआ राशि। सिंपली हमें क्या करना था, सिंपली जो कुल पेज कितना है, हमारे घर वाले कितने दिए हैं, इतना है, और उसमें से कितना हमने खर्च कर दिया, सिंपली यही काम करना है। चलो इतना हिंट काफी है, चलो इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बच्चे से उत्तर सही कर रहे हैं। चलो ध्यान से करेंगे उत्तर, ध्यान से कीजिए, टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही कीजिए। चलो देख लेते, चलो एक बच्चे ने बना के दिखाया, चलो देख लेते इनका। हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो सही है, सही है, छुपा लो छुपा लो। हाँ आपका आपका उत्तर सही आने लगा, अब आपको उत्तर सही आना लगा, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे, ठीक है ध्यान से करेंगे, बहुत ही सरल। देखो मैंने, देखो मैंने क्या पढ़ा, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन इसलिए करा दिया था आपको थोड़ा सा दिमाग काम कर, थोड़ा सा आपका आइडिया लग जाए कि आपके घर वाले 10 रुपये दिए उसमें से 5 रुपये खर्चे कर दिए, कितना बचा, घटा दिए। ठीक, उसके बाद देखो 876 मान लो कि आपके पास पन्ना है, उसमें से आप शनिवार को इतना पढ़ते हो रविवार को इतना पढ़ते हो, मतलब देख लो कितना कुल पढ़ लिया, उतना घटा दो, सिंपली है ना। चलो बाकी और जो बच्चे बना ले रहे हैं वो बच्चे भी दिखा देंगे अपना कैमरा ऑन करके, ठीक है, आप दिखा सकते हैं अपना कैमरा ऑन करके। चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जहां तक हम देख पा रहे हैं, हाँ ठीक है, 10 बच्चों ने कर दिया, चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी। घटाना आपको सही सही है, घटाओं में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको घटाने आता है, घटाने में गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का। चलो लास्ट हम लोग करते हैं 30 सेकेंड, जल्दी जल्दी उत्तर कीजिए सर, बच्चे उत्तर सही कीजिएगा, घटाने में गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का। चलो 12 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, ओके लास्ट 20 सेकेंड, सारे बच्चे उत्तर करेंगे, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट सर, 5। हाँ क्या डाउट बाबा, इससे पहले वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिया सर मैंने। हाँ अच्छा चल ले लेना, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा फिर दोनों दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो ओके, चलो लास्ट 5 से मैं उल्टे की स्टार्ट होता हूँ। चलो बलजीत का मैं एक बार देख लेते हैं, बलजीत आपका कॉपी जो है अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं डिस्कस करता हूँ, आप देख लेना सही बनाया आपने गलत बनाया, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1 है ना, चलो देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दो ध्यान दो। देखो क्या है हमारे पास, 324 और 259 है ना, तो 876 टोटल पेज था किताब में, उसमें से शनिवार को हमने इतना पढ़ा और रविवार को इतना पढ़ा, तो सिंपली क्या करें, इनको जोड़ देंगे। चलो जोड़ लो 324 और 259 को जोड़ लो,
ये आएगा 9 4 13, 5 2 7 1 8, और ये आएगा देखो 3 2 5, ये आएगा 3 2 5, मतलब 583 पृष्ठ, मतलब मान लो 583 रुपया खर्चा कर दिए। तो क्या करना है, सिंपली हमें 583 को घटा देना है। क्या करना है, सिंपली 583 को घटा देना है। चलो ये आपके सामने ये मैं इसको घटा देता हूँ, ध्यान दो। चलो आपके सामने घटाते हैं, देखो 876 घटाओ 583 है ना। अब बहुत बच्चे लग रहा है सर माइनस में होगा या प्लस में, देखो इसके सामने क्या है प्लस का चिन्ह, इसके सामने क्या है माइनस चिन्ह। जब भी अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं घटाते हैं, अलग चिन्ह होता है क्या करते हैं घटाते हैं। घटा दो, 6 में से 3 गया 3, 17 में से 8 गया 9, यहाँ गया 7 में से 5 गया 2, कितना गया 293। अब बताओ 293 का कौन सा चिन्ह रहेगा, जो बड़ा पूर्णांक कौन सा है 876, इसका कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो कौन सा चिन्ह होगा प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है, यानी कितना है टोटल, टोटल आया आपका 293। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। कुछ बच्चों ने घटाने में भी गलत कर दिया है, तो कोशिश कीजिए सही से घटाइए। ठीक है, घटाओ गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चा का। तो ऑप्शन बी जो मेरा सही उत्तर है। तो पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लो इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट उसमें डब्लू आई टाइप कर दो। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें डब्लू आई टाइप कर दो। ले लिया, चलो। अब जिन बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट, इसका कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं थी, या आप ले सकते हो, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको याद रहेगा किस प्रकार से बनानी है। सर इसका नहीं, दूसरे वाले का। आप इस पेज का इसका करना चाहते हो, ले लो आप इसका। हाँ हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समान चिन्ह जोड़ना होता है, सिंपली आगे समझ में। चलो आगे समझ में, चलो अब क्या करना है, आपको अपना होमवर्क का स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, प्रश्नवाली 8.1। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल टाइप कर दो। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। क्या बोल रहे आप, स्क्रीनशॉट कैसे लेना है? स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल का, आपको नहीं पता है किस प्रकार से लेनी होती है क्या? आपको नहीं पता है कि आपके मोबाइल में किस प्रकार से स्क्रीनशॉट ली जाती है? नहीं। अच्छा ठीक है, चलो इसके बारे में आपको क्लास के बारे में। देखो इधर क्या होता है, बहुत बच्चे तो मोबाइल में करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लिए कॉपी में कर लेना या बुक में कर लेना। ठीक है, अब बुक में टिक मार लो, बुक आपके पास? हाँ। तो बुक में टिक मार लो, कौन कौन प्रश्न वाले बोल रहा हूँ वो बना लेना। ठीक है, आप प्रश्न वाले 8.1 आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, या आपके पास बुक है तो आप टिक मार लो कि ये आपको बनानी है। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाले 8.2 इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में टिक कर लो कि कौन सा प्रश्न वाली बनाना है। और जिनके पास बुक नहीं है बच्चे, स्क्रीनशॉट लेना भूलेंगे नहीं, उनका स्क्रीनशॉट की मदद से ही होमवर्क बनानी होती है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। आपको डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हैं।